परिवेश संरक्षण ध्येय हमारा नारे के साथ घुमारवीं में स्वच्छता अभियान का आगाज हुआ। स्वच्छता रैली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजेंद्र गर्ग रहे। इस दौरान एसडीएम शशिपाल शर्मा, डीएसपी राजेंद्र जसवाल, नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश चोपड़ा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। परिवेश संरक्षण ध्येय हमारा के नारे के साथ घुमारवीं में स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया। स्वच्छता रैली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक नरेंद्र गर्ग रहे। इस दौरान एसडीएम शशिपाल शर्मा, डीएसपी राजेंद्र जसवाल, नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश चोपड़ा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इसके उपरांत यहां उपस्थित स्कूली बच्चों व स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए राजेंद्र गर्ग ने स्वच्छता के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का धड़ाधड़ इस्तेमाल आज हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्लास्टिक का इस्तेमाल गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा है। हमें अपनी दिनचर्या में स्वच्छता को अपनाना है व प्लास्टिक का त्याग करना है। स्वच्छता रैली को हरी झंडी देकर इसका आगाज किया गया। रैली दंगड़ी चौक, अस्पताल चौक व बस स्टैंड से होते हुए बाल स्कूल पहुंची। रैली के दौरान शहर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया व लोगों को साफ सफाई रखने के बारे में जागरूक भी किया गया। शहर में सड़क के किनारे फेंके गए प्लास्टिक व दूसरी गंदगी को एकत्रित किया गया। इस अवसर पर आज पूरे देश भर में स्वच्छता के प्रति जो है पूरा देश आज विलुप्त हुआ है, और देश ही नहीं पूरे विदेश में भी स्वच्छता के बारे में और महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर जो है लोग तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी का जो हमारे देश के प्रति जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और सत्य और अहिंसा जैसे घोष वाक्य उनके जो थे उनको उन्होंने चरितार्थ किया, और उसके आधार पर जो है हमारा देश जो है एक छत्र के नीचे आज इकट्ठा हुआ था उस टाइम भी, और आज 150वीं जन्मदिवस के अवसर पर आज पूरे देश में उनकी जयंती जो है पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज यहाँ घुमारवीं समस्त विश्व के अंदर जो है उनकी जयंती जो है आज पूरी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। लोगों के लिए यही संदेश है, हम सब सरकार के साथ जो है इसका सहयोग करें, और सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को सफल बनाने के लिए, क्योंकि सरकार का निर्णय समाज के लिए, लेकिन समाज का भी उसमें भरपूर समर्थन चाहिए, उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम जागरण के लिए भी आयोजित किए जा रहे हैं, और किस प्रकार से लोगों का सहयोग, समाज का सहयोग इसमें हो सकता है वो भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार और समाज दोनों मिलकर जो है इस काम को अंजाम देंगे और हिमाचल प्रदेश को सुंदर बनाएंगे और प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।